यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन, इस पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिससे मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। आज हम आपको बताएंगे आप कैमटेसिया में एडिटिंग कैसे करते हैं, कैमटेसिया में आप वीडियो एडिटिंग कैसे करेंगे। सबसे पहले को ओपन करिए। मैं पिछले वीडियो में बताया हूँ कैमटेसिया कैसे इंस्टॉल होगा, डाउनलोड होगा, अब उसको देख सकते हैं। जैसे यहाँ आप ओपन करेंगे, यहाँ पर आपको देखिए तीन ऑप्शन दिखाएगा। फर्स्ट है न्यू प्रोजेक्ट, सेकंड है न्यू रिकॉर्डिंग, थर्ड है ओपन प्रोजेक्ट। अगर आप पहले से प्रोजेक्ट बनाए हैं, जैसे मेरा ये सब बना हुआ है, तो यहाँ मैं करूँगा तो ओपन प्रोजेक्ट हो जाएगा। अगर आपको न्यू प्रोजेक्ट बनाना है तो यहाँ करिए, अगर आपको रिकॉर्डिंग करना है तो यहाँ पर क्लिक करिए। चलिए स्टेप बाई स्टेप हम आपको बताते हैं आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले रिकॉर्डिंग पर आप क्लिक करिए, यहाँ पर न्यू रिकॉर्डिंग पर। जैसे आप न्यू रिकॉर्डिंग देखिए, न्यू रिकॉर्डिंग में क्लिक किए तो यहाँ पर देखिए ये जो है बताएगा कि आपका वॉइस आ रहा है या नहीं, रिसीव हो रहा है कि नहीं। यहाँ पर देखिए मैं बोल रहा हूँ तो ये आगे पीछे हो रहा है ना, मतलब ये हमारी वॉइस सही काम कर रहा है, मतलब आपके जो लैपटॉप में माइक का ड्राइवर है वो सही वर्क कर रहा है। यहाँ से आप इसे ऑफ भी कर सकते हैं। देखिए आप कर दिया है, आपका आवाज़ मेरा रिकॉर्डिंग नहीं होगा। आप यहाँ से कैमरा को ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर आप अपने रेजुलेशन को सेट कर सकते हैं, मतलब कितना आप रिकॉर्डिंग करना चाहते हो उतना आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए लॉक, इसे अनलॉक कर देंगे तो आप यहाँ से देखिए ऊपर साइड से यहाँ इसको आप कम बेसी कर सकते हैं। ठीक, जिस अनुपात में चाहेंगे उस अनुपात में आप कम बेसी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से अनलॉक कर देंगे तो आप, मैं इस रीजन में घिसूंगा तो सिर्फ इतना ही छोटा होगा। अगर यहाँ से अनलॉक हो जाएगा, लॉक हो जाएगा ये देखिए, तो पूरा एक साथ वर्क करेगा, मतलब फिक्स लेंथ हो जाएगा इसका। यहाँ से आप अगर आपको रिकॉर्डिंग करना है तो यहाँ पर क्लिक करके आप रिकॉर्डिंग कर लेंगे। इससे पहले अगर आपको की सेट करना है, देखिए यहाँ पर टूल है, टूल में आपको आ जाना है ऑप्शन में। ऑप्शन में देखिए यहाँ पर दिया हुआ है हार्ट की, मतलब आप स्टॉप करने के लिए क्या बटन सेट करना चाहते हैं, मार्कर के लिए क्या करना है, स्क्रीन पर आप क्या करना चाहते हैं, आप सब कुछ आपको यहीं पर दिया है। मैं इसको चालू नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे दूसरा रिकॉर्डिंग चल रहा है, इसलिए मैं इसको आपको बता नहीं सकता हूँ क्योंकि ये वर्क नहीं करेगा तब। यहाँ से आप जो है कोई भी सिलेक्ट करके आप चला सकते हैं। चलिए आपका ये रिकॉर्डिंग का प्रोसेस हो गया है। अगर ना समझ में आया हो तो आप नीचे करिएगा तो मैं कोशिश करूँगा वेबकैम से रिकॉर्ड करने के लिए मोबाइल से, ताकि आपको हम पूरे डिटेल में बता सकें। नेक्स्ट प्रोसेस है न्यू प्रोजेक्ट आप कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, जैसे आप कैमटेसिया ओपन करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट पे आप क्लिक करिए। जैसे आप न्यू प्रोजेक्ट में ओपन करेंगे तो इस तरह आपका एक ब्लैक स्क्रीन खुलेगा। याद रखिएगा कैमटेसिया सिर्फ विंडोज 64 में ही चलता है और इसमें मिनिमम 4 GB रैम रहना चाहिए, तभी ये परफेक्ट वर्क करेगा, नहीं तो काफ़ी समस्याएं आती है, इसमें लोड नहीं ले पाएगा। तो यहाँ पर देखिए आप इम्पोर्ट मीडिया है, यहाँ पर आप मीडिया अमेजन का बनाया था मैं एक वीडियो, इसको मैं इसमें ये वीडियो में जो मैं बनाया हूँ इसको इसमें इम्पोर्ट करते हैं। यहाँ से इसको सिंपली ड्रैग करेंगे और यहाँ पर यहाँ से पकड़ेंगे, यहाँ पर छोड़ देंगे, सिंपल सा। देखिए यहाँ पर आ गया। आप इस तरह जो जो वीडियो इसमें डालना चाहते हैं आप डाल लीजिए, मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ आपको। अब यहाँ से आप जो है इसको पकड़िए और यहाँ पर नीचे जो ट्रैक नंबर फर्स्ट है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लाकर इसको ड्रैग कर दीजिए, छोड़ दीजिए। अब देखिए आपके डिस्प्ले में आ गया। अगर आप इसको सेट करना चाहते हैं कम बेसी तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से आप इसको कम बेसी आप सेट कर सकते हैं, आप जैसा चाहेंगे वैसा यहाँ पर कर सकते हैं। अब आगे हम आपको बताते हैं, जैसे अब इसमें मुझे कोई इमेज इंसर्ट करना है, जैसे मेरा इमेज है यहाँ पर सब्सक्राइब है, यहाँ पर मेरे इमेज का लोगो है, तो आप ये कैसे करेंगे। सबसे पहले आपका लोगो और सब्सक्राइब का एक फोटो डाउनलोड कर लीजिएगा इमेज। उसके बाद देखिए एक यहाँ से इम्पोर्ट डायरेक्ट करते हैं, एक यहाँ पर प्लस पर क्लिक करिए और इम्पोर्ट मीडिया पर क्लिक करिए। अब आप जहाँ पर रखे रहेंगे वहाँ से आप जो है ले सकते हैं। देखिए जिसे मैं सब्सक्राइब अपने चैनल का नाम और लास्ट में थैंक यू रखा हूँ, यहाँ पर एक MP3 रखा हूँ, तो मैं इन सबको यहाँ पर ले लिया। अगर आपको जिसे ये इमेज लगाना है तो यहाँ पर इस इमेज को उठाइए और यहाँ पर ड्रैग कर दीजिए, छोड़ दीजिए। देखिए इमेज आपका हो गया, ये काफ़ी लॉन्ग है तो यहाँ से करिए इसको छोटा इस्तेमाल कर दीजिए।
और इसको यहाँ से लेकर जहाँ पे आपको सेट करना है वहाँ पे ले जाइए इसको। उसके बाद अगर आप इसको पूरे वीडियो में लगाना चाहते हैं तो यहाँ से सिंपल पकड़िए, उसको खींचते रहिए जितना दूर तक आपको ले जाना है, मतलब जितना वीडियो में आपको लगाना है वहाँ तक ले जाइए। देखिए यहाँ तक हो गया है, मैं यहाँ तक लगा दिया है, अब यहाँ तक वीडियो चलेगा, यहाँ तक आप देखिए पूरा देख सकते हैं। ठीक, ये प्रोसेस तब करिएगा जब आप वीडियो में कट एडिटिंग जो भी आपको करना है वो सब कंप्लीट कर लीजिएगा तब। चलिए हम आपको इस सब बताते हैं। देखिए यहाँ पर एक मीडिया है, दूसरा है एनोटेशंस, इस पर आप क्लिक करिए, हम आपको बताते हैं। देखिए इसमें क्या है, आप कोई भी वर्ड इसमें लिखना चाहते हैं उसके लिए, जैसे मैंने इसको यहाँ पे लिया है, मैं इस चीज को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ कि ये मेनू का बटन है, तो मैं इसमें लिख देता हूँ मेनू लिख देता हूँ। ठीक, सपोज करिए तो ये आपको रिप्रेजेंट करेगा कि हाँ ये मेनू का बटन है। इस तरह आप जो भी डिजाइन यहाँ से लेना चाहते हैं इसको आप कुछ भी कर सकते हैं। देखिए जैसे इसका डायरेक्शन है उसको इधर कर सकते हैं, यहाँ पर ला सकते हैं, यहाँ पर कहीं भी आप ले जा सकते हैं इस तरह इसको। इसको आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, इस तरह पकड़िए, छोटा हो गया बड़ा हो गया, जैसे आप चाहेंगे उस तरह हो जाएगा। ठीक, ये प्रोसेस हो गया। अब चलिए मैं नेक्स्ट आपको बताता हूँ। देखिए ये जो कर्सर टाइप में है तो ये आपके वीडियो को नोटिफिकेशन करेगा आप किस चीज में बताना चाहते हैं, किस चीज के बारे में। जैसे मैं यहाँ पर ला के इसको छोड़ दिया, जब मैं वीडियो यहाँ पर प्ले करूंगा देखिए वो ऑटोमेटिक बंद के आकर सूचित करेगा कि यहाँ पर दबाने के लिए बोल रहे हैं या प्रेस करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इस जो है आपके जो डिस्प्ले में जहाँ पे आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं वहां पर इसको लगाइए। एक ये है, ये काफी हेल्पफुल चीज है, इससे आप जो है कोई चीज ब्लर करना चाहते हैं तो उससे आप ब्लर कर देंगे तो कोई देख नहीं पाएगा, मतलब आप जो चीज ढकना चाहते हैं वो कोई देख नहीं पाएगा। जैसे मैं यहाँ पर इसको लाकर देखिए, एक इसमें है ब्लर, देखिए यहाँ पर लाकर रख दिए। अब इस चीज को मैं अगर इतना दूरी अगर सिक्योरिटी पर्पज से मैं किसी को दिखाना नहीं चाहता हूँ, यहाँ पर लाकर हम छोड़ देते हैं और इसको देखिए प्ले करें, इतने दूरी का किसी को दिखेगा नहीं। ठीक, तो ये आपका जो क्या हुआ ब्लर हो गया। सेकंड क्या है, स्प्लिट लाइट, इससे क्या है आप जिस चीज को ज्यादा फोकस करना चाहते हैं उस पर लाकर आप इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पर वो ज्यादा फोकस करेगा। जैसे हमको इस चीज को हाईलाइट करना है तो यहाँ पर मैं लाया इस प्रोसेस पे, देखिए सब ब्लर हो जाएगा हल्का हल्का और ये हाईलाइट हो जाएगा। देखिए अब जैसे कोई भी चीज है मैं बताना चाहता हूँ कि इस पोजीशन पे क्या है, तो इस तरह देखिए आप छोड़ दीजिए, देखिए यहाँ पर हाईलाइट कर दिया, सबको ब्लर कर दिया, मतलब आपका कंसंट्रेशन इसी स्थान पे जाएगा जहां पर ये है। ठीक, ये हो गया। उसके बाद ये जो हाईलाइट मार्कर है यहाँ पर देखिए कलर वाइज चेंज करके दिखा देगा कि हाँ आप इस चीज को हाईलाइट करना चाहते हैं। सेम सेम प्रोसेस ये सब है। अब यहाँ पर जो है क्या है, जिससे मैं किसी चीज को नोटिस करना चाहता हूँ, जैसे ये एड बैलेंस है, इस पर मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ कि आप इस पर क्लिक करना है या कुछ करना है, तो आप यहाँ पर सिंपली इसको लाइए, यहाँ पर लाकर इस तरह इसको आप छोड़ दीजिए। ठीक, अब इसका साइज आप यहाँ फिक्स कर लीजिए बढ़ाकर कि हम इतना भी दिखाना ही चाहते हैं। तो देखिए अब जब वीडियो आगे चलेगा जब इस पोजिशन पहुंचेंगे आप, देखिए ऑटोमेटिक वो नोटिस दे देगा। ठीक, यहाँ पर देखिए ये नोटिस दे दिया ऑटोमेटिक, जो आप यहाँ पर से देख गए थे यहाँ पर नोटिस दे दिया कि हाँ इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, ये प्रोसेस हो गया। अब सेकेंड स्टेप में आते हैं, सेकेंड में क्या है, ट्रांजिशन है। देखिए जिसे आप वीडियो में इफेक्ट डालना चाहते हैं इसके लिए होता है, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको स्प्लिटिंग करना पड़ता है वीडियो को। इसे स्प्लिटिंग मतलब इस वीडियो का आप सिलेक्ट किए, देखिए पीले कलर का जो ऊपर साइड निशान हो गया तो मतलब ये वीडियो आपका सिलेक्ट हुआ है। तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है स्प्लिट, आप डायरेक्ट इसको यस भी दबा सकते हैं और इस पर क्लिक करके भी इसको स्प्लिट मतलब इसको कट करना है, इस पर आप क्लिक कर दिए, देखिए यहाँ वीडियो आपका कट हो गया। देखिए आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं। अब मैं इस पोजीशन में जो है कोई जो है लगाना चाहता हूँ स्टाइल टांग, ठीक है, तो मैं इसको इस तरह लाकर यहाँ पर ड्रैग कर दिया। ठीक, छोड़ दिया। अब इसको हल्का सा हम बढ़ा, जितना लंबा आप करना चाहते हैं उतना लंबा आप यहाँ से इसको लंबा कर दीजिए, तो उतना लंबा आपका ट्रांजिशन होगा। देखिए जैसे मैं अप्ले करता हूँ वीडियो इस तरह, आप देखिए मेरा इस तरह देखिए जो इफेक्ट डाला हूँ यहाँ से, देखिए तो ये इफेक्ट इस तरह आया है। देखिए तो आप इस तरह अपने वीडियो में कोई भी इफेक्ट जहां भी आपको इफेक्ट डालना हो वहां पर आपको हल्का सा सेलेक्ट करने के बाद स्प्लिट कर देना है। स्प्लिट करने के बाद
उस चीज को लाकर यहीं पर ड्रैग कर देना। जैसे मैं इसको लाया यहीं पर ड्रैग कर, इसको हल्के साइज बढ़ा दिया ताकि थोड़ा स्लैंग समय के लिए हो जाए। यहाँ पर देखिए मैं क्लिक किया प्ले पे, देखिए ये मेरा पेज की तरह रोटेट हो रहा है। इस तरह आप इसमें इफेक्ट डाल सकते हैं। इतना हो गया। इसके बाद क्या बिहेवियर्स है आपका, इसमें आप वर्ड जो है लेटर को किस तरह डिजाइन करना चाहते हैं वो इसमें आप डाल सकते हैं। इसको लाइएगा कहीं, आप जो लेटर लिखे हैं उस पर छोड़ दीजिएगा, बस आपका जो है बिहेवियर वर्ड में कलरिंग होने लगेगा। देखिए इससे ये कंपन की टाइप में, देखिए यहाँ पर इस तरह कंपन होता रहेगा वीडियो में। देखिए अप डाउन हो रहा है, या किसी भी टेक्स्ट में आप डालेंगे तो टेक्स्ट टेक्स्ट जो है आपका अप डाउन होगा इस तरह। जूम इन जूम आउट, यहाँ से जो भी आप सिलेक्ट करेंगे तो उस तरह हिसाब से आपके वीडियो में हो जाएगा। देखिए ये प्रोसेस हुआ। इसके बाद क्या है, एनिमेशन है। एनिमेशन आप इसमें देखिए, आप वीडियो को जूम करके हाईलाइट, मतलब मैं इस पोर्शन को सिर्फ दिखाना चाहता हूँ तो मैं वीडियो को हटाकर इस पोर्शन पे ही फोकस कर दे रहा हूँ। तो आपका देखिए ये पूरा वीडियो यहीं पर फोकस हो जाएगा, मतलब आपका डिस्प्ले आधा से ज्यादा गायब हो जाएगा। ठीक, देखिए जितना आप जूम करेंगे उतना हो जाएगा। ठीक, ये हुआ जूम इन जूम आउट, आप कितना यहाँ करना चाहते हैं। एक कर्सर इफेक्ट है, अगर इसको आप डालेंगे तो आपके जो कर्सर रहेगा, जैसे कर्सर रोटेट करा तो यहाँ पर इस तरह के डिजाइन बनता रहेगा, ताकि आप कर्सर कहाँ पर आप क्लिक कर रहे हैं सामने वालों को ये पता चल जाएगा। देखिए ये वॉइस नरेशन है, देखिए वॉइस नरेशन, देखिए मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ तो ये वर्क कर रहा है। अगर आप वीडियो में यही डायरेक्ट रिकॉर्डिंग करके वॉइस डालना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके आप डाल सकते हैं। इसके बाद क्या है, अगला स्टेप मैं आपको बताता हूँ कि आप इसमें MP3 कैसे ऐड करेंगे। देखिए जैसे मैं यहाँ पे एक MP3 का फाइल लिया हूँ, तो इसको यहाँ सिंपली सिलेक्ट किया। ठीक, चला चला यहाँ सिलेक्ट किया। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको इस तरह आएगा, तो इस पर क्लिक करके आप कम बेसी कर सकते हैं। ठीक है, आप 10%, 9%, 5% जो भी आप करना चाहते हैं वो यहाँ सेट कर लीजिए, ताकि ज्यादा करेंगे देखिए वीडियो पे म्यूजिक ज्यादा हो जाएगा तो किसी को सुनाई नहीं देगा, इसलिए म्यूजिक को यहाँ पर क्लिक करके आप कम कर सकते हैं। ठीक, देखिए अब आवाज मेरी सुनाई देगा, ये कम जाएगा। ठीक, आप इस तरह प्रोसेस कर सकते हैं, यहाँ से आप ये प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं, मतलब कम बेसी। और ये किसको आप यहाँ पर काटना चाहते हैं तो आप यहाँ पे स्प्लिट कर दीजिए, और यहाँ पोजिशन पे आप स्प्लिट कर दीजिए। आप चाहते हैं कि आपका आवाज जो है यहाँ पर बीच में ज्यादा होनी चाहिए, तो आप इसको पकड़ के आप ज्यादा कर दीजिए। देखिए क्या होगा, यहाँ पर देखिए म्यूजिक स्लो चलेगा यहाँ तक। अब म्यूजिक तेज हो गई यहाँ पर आपका, यहाँ तक तो म्यूजिक स्लो थी, अब इसके बाद यहाँ पर तेज हो गई। तो इस तरह आप कम बेसी आप जिस तरह एडजस्ट करना चाहते हैं, आपका वीडियो किस तरह है तो आप इस तरह सेट कर सकते हैं। ठीक, मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, जैसे कभी कभी होता है कि आप जो ये कर्सर है देखिए मेरा फैल गया, तो आप समझ नहीं पाएंगे सेलेक्ट हो गया तो इसको मैं कैसे एक में ऐड करूँ दोबारा, जो इनके बीच में स्पेस है, तो ये इस तरह करने में कभी दिक्कत होती है। तो आप कुछ मत करिएगा, सिंपल इसी पर डबल क्लिक कर दीजिएगा, देखिए ऑटोमेटिक ये एडजस्ट हो जाएगा। ये सबसे आसान तरीका है जो कोई नहीं बताता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक, और इसके बाद आपको क्या करना, जब आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, देखिए यहाँ पर जो है एक व्यू है, एक लाख है। ठीक, इसको हम कर देंगे कि मेरा जो वीडियो मैं आईडियो रखा हूँ, देखिए उसका वर्क खत्म हो गया प्रोसेस। देखिए ये हाई, मतलब उसका हिडन हो गया, मतलब ये अब वर्क नहीं कर रहा है। ठीक, अब देखिए दिख तो रहा लेकिन काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर लाख है, जिसको अनलॉक करेंगे तब ये वर्क करेगा। ठीक, इस तरह आप इसको कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अंडू का ऑप्शन है, यहाँ पर कट है, यहाँ पर भी देखिए सब बहुत, इसमें बहुत कुछ है, आप जितना आसानी से करना चाहेंगे उतना आसानी से कर लेंगे, लेकिन धीरे धीरे प्रोसेस आप करते रहिए। ठीक, इसका अगर कोई प्रॉब्लम रहेगा तो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा कुछ स्टेप। हाँ, आगे आपको बताना चाहता हूँ, जैसे आप इस वीडियो का रिबूट करना चाहते हैं तो आपको कैसे करना है, तो यहाँ पर देखिए ऊपर साइड शेयर दिया है, तो यहाँ पर शेयर पे आप क्लिक करिए। जैसे कह रहेंगे तो यहाँ पर देखिए लोकल फाइल है, स्क्रीन कास्ट पे है, मतलब आप ऑनलाइन भी भेजना चाहते हैं, तो मैं लोकल फाइल पर क्लिक किया। इसके बाद ओके पर क्लिक कर दिया। यहाँ पर देखिए आपको जो है सिर्फ इसी पर क्लिक करिए। ठीक, यहाँ पर या तो ये जो है कस्टम है, यहाँ से आप खुद जो है पिक्सल डिजाइन कर सकते हैं, या आप HD या Full HD आप यहाँ भी कर सकते हैं। तो मैं अक्सर यही करता हूँ, कस्टम प्रोडक्शन सेटिंग, क्योंकि मैं अपने आप अपने हिसाब से इसको करना चाहता हूँ। तो आप नेक्स्ट पर क्लिक करिए। तो
जैसे इंडेक्स करेंगे तो यहाँ पर आप रिकमेंडेड है MP4 ही सिलेक्ट करिए, क्योंकि यूट्यूब के लिए बेटर होता है। उसके बाद अगर यहाँ से आप कुछ करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए साइज है, तो ये आपको वीडियो का आउटपुट साइज है, तो यहाँ पर आप फुल HD या HD जैसे आप करना चाहते हैं ये इम्बेड है, मतलब वीडियो किस में बना हुआ है। यहाँ पर देखिए वीडियो सेटिंग है, आप फ्रेम रेट भी कम बेसी कर सकते हैं, क्वालिटी भी कम बेसी कर सकते हैं, जो प्रोसेस आप चाहेंगे यहाँ कर लेंगे। इसमें कुछ करिएगा मत, नहीं गड़बड़ा जाता है कभी कभी। यहाँ आइडियो सेटिंग है, तो आप यहाँ पर आइडियो में 192 KB या कितना आप रखना चाहते हैं आपके ऊपर डिपेंड है। उसके बाद ये ऑप्शन में है, इसको कोई मतलब नहीं है। जब ये प्रोसेस हो जाए तो नीचे देखिए नेक्स्ट है, यहाँ से आप प्रीव्यू देख सकते हैं वीडियो का। यहाँ से आप नेक्स्ट करिए, जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो दोबारा इस तरह आएगा, फिर दोबारा आप नेक्स्ट करिए। यहाँ अपने फाइल का नाम दे दीजिए जो भी आपको देना है, जैसे अगर आप दे दिए, फिर नीचे यहाँ पर आप जो है क्लिक है फिनिश पे, आप फिनिश पे क्लिक कर देंगे, देखिए कहा रेंडरिंग करने लगा वीडियो को, मतलब वीडियो को रेंडरिंग करके बनाने लगा। ठीक, अगर आपको इस वीडियो से मेरी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके प्रॉब्लम को सोल्यूशन जरूर से जरूर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा।